रमेश जी, मैं जानती हूँ आज तक आप मेरे साथ रहे हैं हमेशा, लेकिन आप बेहान के और इस परिवार के साथ रहिएगा, इसीलिए मैं आपको इन सब के साथ छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। बेहान को और इस परिवार का ख्याल रखिएगा। माफ कर देना बेहान मुझे, मैंने जानबूझकर तुम्हें नाराज कर दिया। सुबह उठो तो ये लेटर पढ़ लेना। अरे मच्छर, तब क्या हुए? चुपड़ी चली बेहान, तुम जैसा चाहते थे मैं वैसा ही कर रही हूं। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूं। तुम अपने परिवार के साथ रहो और खुश रहो। थपकी, इस समय कौन हो सकता है? अब मैं देखती हूँ पापा। इतनी रात कौन आ गया इनके घर में? देखना पड़ेगा इतनी रात को कौन आया। कहीं अदिति का हमारे खिलाफ कोई नया प्लान तो नहीं? चलो देखना पड़ेगा। चलो चलो, चलो। थपकी, आप ऐसे अचानक दीप, क्या हुआ दीप? थपकी ले, पहन इसे, पहन ली, इसे अपने सर पे रख। थपकी से इतना डर क्यों रहा है? अरे धीरे बोलो पापा, मैं डर नहीं रहा हूँ। ये थपकी यहाँ पे आई है, इसका मतलब है कि इसका वो पति बिहान पांडे भी आता ही होगा, और वो जब भी आता है हमेशा मेरी बैंड बजाता है। क्या करे, काम करते डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाते। अरे क्या, अरे अरे कह रहे हो बेटे की जान प्यारी है या नहीं? अरे कैसे पाप हो यार, अब चलो मैं कहता हूँ ऐसा करो, चलो चलो आओ मम्मी, आओ चलो। बोल ना थपकी, बेटा बेटा बात क्या है, तू इस तरह? हाँ बेटा, इतनी रात गए क्यों आई है तू? मैं हमेशा के लिए पांडे निवास छोड़ के यहाँ वापस आ गई। देखिए क्या, ये अंदर से आवाज कैसी आ रही है पापा? बेटा वो
वो माँ दी इस मोहल्ले में बहुत चूहे हैं ना, चूहों की आवाज है, कुछ नहीं आप सोचो। हाँ बेटा वो खटपट करते हैं हमेशा। अब वैसे दी आप अचानक से इतनी रात को यहाँ कैसे, किसी ने आपको रोका नहीं वहां पे? वो मैं किसी को बता के नहीं आई। थपकी? बेटा वहां पर सब कुछ ठीक है ना? आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुझे इस तरह आना पड़ा घर छोड़कर? हम बताते हैं। मैंने कहा था ना ये मेरी बैंड बजाने जरूर आएगा। वो क्या है ना, थपकी हमसे नाराज, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं ना इसलिए। और आज तो कुछ ज्यादा ही नाराज। तुम तो जानती हो ना हमारी मोटी बुद्धि है, फिर तुम हमारी बात को बुरा क्यों मानती हो? चलो अच्छा ठीक है, चलो हम तुमसे माफी मांगते हैं, बस माफ कर दो अब तो। चलो अच्छा ठीक है, चलो हम वादा करते हैं, वादा करते हैं कि आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, अपना सामान हमेशा जगह पे रखेंगे, कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, कभी लेट नहीं सोएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा तुम बोलोगे वो करेंगे, बस अब तो चलो। अरे हमारे लिए नहीं तो कम से कम बाकी घर वालों के लिए चलो, अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना के यहाँ चले आए तो उनको कितना बुरा लगेगा, है ना? आप लोग ही समझाइए ना, आपकी बात नहीं डालेंगे। मेरा हाथ छोड़। नहीं पहले तुम कहो कि तुमने हमें माफ कर दिया और तुम हमारे साथ वापस चलोगे, वरना हम सबसे माफी मांगे। दी अगर ये इतना सॉरी फील कर रहे हैं तो मान जाओ ना, इतनी छोटी सी बात तो है, और वैसे भी एक बार बाकी घर वालों के बारे में भी तो सोचो। प्लीज दी जाओ इनके साथ, अपना गुस्सा थूक दो और इन्हें माफ कर दो। दी लेकिन आदिति पापा प्लीज। हाँ बेटा ऐसी छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ा करते, और वैसे भी कुछ दिनों के बाद तो तुझे यहीं पे आना है हमेशा के लिए, तो फिर ऐसे आके सबका दिल नहीं दुखाते, और फिर भी तुझे आना है ना बेटा, तो वहां सबको बता के आना। आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि थपकी को इस तरह यहां आना पड़े, हम वादा करते हैं। सुना बेटा क्या कहा बिहान ने? नहीं बेटा ऐसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं किया करते। क्या किया तूने? क्यों जाने दिया थपकी को? अगर दी को दिवाकर और उसके परिवार के बारे में पता चलता तो वो कितनी दुखी होती। हाँ मैं आदिति की बात समझ गई थी, और वैसे भी बिहान ने कहा है ना इतनी बड़ी बात नहीं है, इसीलिए मैंने थपकी को जाने के लिए कह दिया। इतनी रात गए कौन आया था आप? थपकी दी और बिहान, लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब? और इतनी जल्दी चले भी गए। चलो अच्छा ही हुआ, वैसे क्या इतनी रात को मैं ऐसे मारपीट करूं उस बिहान के साथ। कैसे करती? डाइनिंग टेबल के नीचे छुप के। और हाँ दिवाकर एक और बात बता दूं, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर थपकी दी यहीं रहने वाली है। चलो बैठो।
ओ मैडम, समझ में नहीं आता तुम्हें, कहा ना हमने बैठो गाड़ी पे। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? मैं अच्छा खासा तुम्हें छोड़ कर आ गई थी ना, फिर तुम क्यों यहाँ वापस आ गए मुझे लेने? मेरी फैमिली के सामने इतना सब नाटक क्यों किया बेहान तुमने? अच्छा, नाटक सिर्फ तुम्हें ही करने आते? क्या नाटक किया मैंने? घर में हमसे जानबूझकर लड़ना, हमें गुस्सा दिलाना ताकि हम तुम्हें उल्टा सीधा कहें और तुम अपना ये सामान पैक करके यहाँ आ जाओ, ये सब तुमने नाटक नहीं किया? हाँ, किया नाटक मैंने, पर मेरा यहाँ तुम्हें छोड़ के आना नाटक नहीं है बिहान। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम आखिर चाहते क्या हो, क्यों वापस लेने आए मुझे यहाँ? तुम जाओ ना अपने परिवार के साथ रहो जाके, और मुझे भी यहाँ रहने दो। चलना तो तुम्हें हमारे साथ ही पड़ेगा, और हमारे साथ ही वहाँ रहना भी पड़ेगा। क्यों रहूं मैं वहाँ तुम्हारे साथ? तुम जानते हो ये बात कि वहाँ जाके सबके सामने मैं खुद को अच्छा साबित नहीं करूंगी, तो फिर तुम क्यों जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ फिर से जाके काओ शेड में घुट घुट के जीऊं? क्यों चाहते हो कि मैं वहाँ रोज सबकी नफरत का सामना करूं? क्यों इतना दुख देना चाहते हो मुझे? पहले जो दुख दिए हैं क्या वो कम है? ठीक है, अब और दुख नहीं देंगे तुम्हें धमकी, बस इस बार हमारे साथ घर से चलो। चाहे इतने दिन रुकिए वहां, 2 दिन और, उसके बाद तुम्हें जहां जाना हो जैसे जाना हो चली जाना, हम कसम से तुम्हें नहीं रोकेंगे। बिहान, पर 2 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? जो भी होना होगा हो जाएगा तुम्हें, बस इस बार हमारी बात मान लो, इसके बाद तुमसे कभी कुछ नहीं मांगे। तुम जो शर्त रखो कि रख ले, हमें मंजूर। अगर तुम्हें हमें कोई भी कुछ भी अच्छाई दिखाई देती है तो थोड़ी सी भी, उसके खातिर सिर्फ 2 दिन दे दो। ठीक है, जो आज तक तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है कि 2 दिन के बाद जब मैं यहाँ वापस आऊंगी तब तुम मुझे नहीं रोकोगे। दो दिन के बाद तो तुम खुद वो घर छोड़ के नहीं आओगी तब की, क्योंकि इन 2 दिनों के अंदर हम तुम्हें घर के अंदर ले आएंगे और सबके सामने सही साबित करके रहेंगे। पापा कुछ परेशान से लग रहे थे, सब ठीक ठीक तो होगा ना माँ? फोन करके पूछ लेती हूँ। अरे थपकी, हेलो बेटा, तू ये बता वहाँ सब ठीक है ना? हाँ पापा, यहाँ सब कुछ ठीक है। तुझे याद है बेटा मैंने तुझसे क्या कहा था? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर वक्त तेरे साथ हूँ। पापा, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, बस वहाँ सबका ख्याल रखिए, ठीक है? पापा, बहुत बहुत रात हो गई, आपको सोना चाहिए, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे कहाँ हो गए दादी माँ, क्या हुआ? तुम्हारे पापूजी की और मेरी फोटो। क्या हुआ? माँ जी, ये भगवान, ये तो लगता है किसी रहते ना ऐसे ऐसे कट कर दिया हो। अरे अरे अरे, चूहा यहाँ कहाँ से आया? तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से? और क्या,
तुमने वो प्रसाद की कटोरी रखी थी ना फोटो के साथ पे, चूहा प्रसाद खाने आया होगा और ये फोटो भी काट के गया। क्या किया तुमने सुमन बहू? तुम्हें पता है ये तस्वीर माजी और तुम्हारे दादाजी की शादी की तस्वीर थी। तुम्हारे दादाजी के साथ माजी की एक हाथ तस्वीर और तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया, शर्म नहीं आती तुम्हें? पता नहीं क्यों धीरे धीरे उनकी सारी निशानियां मुझसे दूर होती जा रही है। नहीं माजी, पहले हस्तियां अब ये। देख रही हो ना कितना दुख पहुंचाया तुमने माजी को, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? अब क्या करेंगे माजी बताओ तुम? नालायक जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे वो आज लखन की तबीयत खराब है ना, तो वो आया नहीं है। अब चारा तो काटना पड़ेगा ना, वरना गुलाब वो खाएगी क्या? पाऊ जी, अगर आप कहें तो हम आपकी मदद कर दें। थपकी, तुम कहाँ जा रही हो? आओ देखो यहाँ इतना सारा काम है, आओ तुम भी थोड़ी मदद कर दो चारा काटने में। लखन कहाँ है बेटा? मुझे एक जरूरी काम है उससे। हाँ आज वो बीमार है, वो आज नहीं आएगा। और काम क्या था आपको? बेटा वो जो तेरे बाबूजी की और मेरी तस्वीर रखी थी ना मेरे कमरे में, उसे चूहा उतर गया। बड़ी मुश्किल से ना मेरी शादी की ये आखिरी तस्वीर मिली है मुझे। मैं चाह रही हूँ तू ना इसे मजबूत सा फ्रेम करवा दे ताकि ना ये खराब होने से बच जाए। अरे दादी माँ इतना सा काम? दाई हमें दीजिए, हम फ्रेम करवा देंगे। ठीक माँ जी, रुक जाइए। हमें हमारे किसी निजी काम के लिए किसी भी बाहर वाले की मदद की जरूरत नहीं है।